देखो बेटा, ये गोल दर्पण के लिए ये भी अपने संबंध, ठीक है ना, बहुत आसान है। मतलब वन अपान ये बराबर वन अपान बी प्लस वन अपान यू, यही आपको सॉल्व करना है, ध्यान रखिएगा। देखो अवतल दर्पण के लिए एक होता है, उत्तल दर्पण के लिए। अवतल दर्पण में आपको ध्यान देना, पहले ग्राफ चित्र बनाना जरूरी है। जैसे मान लो मेरे पास क्या एक अवतल दर्पण है, ऐसे हमने अवतल दर्पण बनाया, उस पर हमने कलर कर दिया और उसका द्वारक M1 और M2 मान लिया, और इसके बीच में हमने मुख अक्ष बना दिया, B और P एक मुख अक्ष बन गया। तो यहां पर जो हमारे मुख अक्ष है उस पर फोकस दूरी भी है, वक्रतकेंद्र पर है, और यहीं पर वस्त्र रखी है, तो वस्त्र AB है। तो AB से चलने वाली प्रकाश किरण दर्पण R से टकराकर फोकस F के रास्ते वापस चली जाती है, तथा दूसरी प्रकाश किरण वक्रता केंद्र C से होते हुए दर्पण S से टकराकर पुनः उसी रास्ते वापस लौट जाती है, और जब वापस लौट जाती है तो दोनों एक दूसरे को A डैश पर काटती है, जहां पर इसका प्रतिबिंब A डैश और B डैश बनता है, ठीक है ना। तो हम लोग क्या करते हैं, इसका हम लोग सूत्र का निर्माण करेंगे। ध्यान रखेंगे कि हमारे पास ध्रुव से वस्त्र B जो है वस्त्र है, तो यहां पर पी बी की दूरी क्या होगी, माइनस बी होगी। याद रखिएगा अवतल दर्पण में दूरी जो है माइनस में लिया जाता है, तो पी बी जो वस्त्र है इसकी दूरी हमने क्या मान लिया, माइनस यू, और पी बी डैश जो है ये मेरे पास प्रतिबिंब है इसलिए इसकी दूरी क्या मान लिया, माइनस बी मान लिया, और पी सी जो है मेरे पास वक्रता केंद्र है इसलिए अगर हमने पी सी की दूरी क्या मान लिया, माइनस आर मान लिया। ये हमारे पास क्या वस्त्र है, ये मेरे पास क्या है प्रतिबिंब है, और ये मेरे पास क्या है त्रिज्या है, और ये क्या है फोकस दूरी है, फोकस दूरी है। तो इतना आप ध्यान रखिएगा, फोकस दूरी है। तो हमने इतना लिख दिया क्योंकि अब इनके वैल्यू जो मान है, इसी मान को हम आगे क्या प्रोसीड करेंगे, क्या सबसे पहले हमें देखेंगे ये जो हमारे मेरे पास ग्राफ बना है उत्तर दर्पण का, इसमें सबसे पहले देखिए ए बी सी, ए बी सी एक त्रिभुज है, और क्या ए डैश बी डैश सी है, दो त्रिभुज समकोणिक है, समकोणिक है जो समान है, जैसे ये वाला है वैसे ये वाला भी है, तो समकोणिक है, तो उसकी तुलना कराते हैं। ये जो मेरे पास वस्त्र की जो लंबाई है वो क्या प्रतिबिंब की लंबाई जो है दोनों में बटे होते हैं, ए बी बटा क्या होगा समरूपी जो है उसको लिखेंगे, ए बी बटा क्या होगा ए डैश बी डैश बराबर बी सी बटा क्या होगा बी डैश सी आएगा, ठीक है ना। इसी तरीके से हम लोग कहते हैं हमारे पास जहां पर ये दर्पण जो है आर था, आर से मैं एक लंब खींचा, तो लंब खींचा उसका मान क्या मान लिया एन मान लिया, तो इसका एक त्रिभुज रहा आर एन एफ और ए डैश बी डैश एफ बन गया, तो ए डैश बी डैश एफ तथा आर एन एफ में समकोणिक त्रिभुज इसमें भी है, अब समकोणिक ये भी है दिख रहा है। अब बात यह है तो यहां पर क्या होगा आर एन बटा क्या होगा ए डैश बी डैश बराबर एन एफ, एन एफ ये एन एफ बटा बी डैश एफ हो जाएगा। अब हमने देखा कि जो हमारे पास वस्त्र है और यहां पर आर एन दोनों एक दूसरे समान है, तो हमने आर एन बराबर ए बी मान लिया, तो जहां पर आर एन है वहां पर हमने क्या दिया ए बी रख दिया, और जब ए बी रखा तो एक बात और ध्यान रखेंगे कि जो एन है वो पी के बहुत करीब है, क्योंकि ये दर्पण का द्वारक बहुत छोटा होगा तो आर जो है पी के बहुत करीब आएगा, इसलिए जो है हम एन को पी मानते हैं पी को एन मानते हैं, इसलिए हमने एन एफ बराबर क्या मान लिया पी एफ, तो यहां पर जो एन एफ लिखा हुआ है वह हमने पी एफ दिया। अब इसको समीकरण नंबर दो मान लेंगे, समीकरण एक और दो की तुलना कराएंगे, तो देखा जाए तो ये दोनों इसकी इनकी तुलना इससे कराएंगे तो इसका मान जो है यहां पर जाएगा, तो बी सी अपान बी डे सी बराबर पी एफ अपान बी डे एफ हो जाएगा। अब हम लोग क्या करते हैं तुलना हमने करा दी दोनों त्रिभुज की, क्योंकि जो समरूप समकोणिक कोण थे उसको तो तुलना करा। अब हम लोग क्या करते हैं जो हमारे पास यहाँ ध्रुव है पी, ध्रुव से तुलना सबको कराएंगे, तो बेटा क्या आएगा यहाँ पर देखिए पी बी पहले वस्त्र के, तो पी बी क्योंकि जो उधर में पहले होगा उसको पहले लेंगे, उसके बाद लास्ट में आएगा उसके बाद में आएगा उसको माइनस के लेंगे, तो यहाँ पी बी माइनस पी सी आएगा, क्योंकि यहाँ बी सी था तो पहले पी बी माइनस पी सी आएगा, बता यहाँ बी डे सी है तो देखा सी पहले है इसलिए पी सी माइनस पी डैश बी पी बी डैश है बराबर यहां पर क्या था पी एफ है, तो पी एफ के लिए क्या पी एफ अपान बी डैश एफ है, तो देखा बी डैश पहले है एफ बाद में, तो क्या पी बी डैश
माइनस पी एफ हो जाएगा। अब इतना सब कुछ तुम्हें पता होगा, और जब पता हुआ है तो आप जानते हो इसका मान, पीबी का मान क्या है माइनस यू, और पीसी का मान क्या है माइनस आर है, पीएफ का मान क्या है माइनस यू। देखिए सारे मान दिए हैं, क्योंकि पीबी का मान माइनस यू, और पीबी डैश का मान माइनस माइनस बी, और पीसी का मान माइनस आर, और पीएफ का मान क्या है माइनस एफ। जब इतने मान सारे रखे हैं तो आप ये भी जानते हो कि जो हमारी फोकस दूरी होती है वक्र त्रिज्या की आधी होती है, तो आर बराबर टू एफ होता है, जहां जहां आर होगा वहां पर हम लोग टू एफ देंगे, माइनस में प्लस अब आर के जगह क्या गया टू एफ, आर में कह दिया माइनस टू एफ, प्लस माइनस माइनस प्लस बी होगा माइनस एफ होगा, माइनस बी होगा माइनस प्लस एफ होगा। अब हम लोग इसको क्रॉस मल्टीप्लाई करते हैं, तो इसका गुणा इससे क्या करते, ये वाला पोर्शन हमने यहां लिख दिया, ये वाला पोर्शन हमने यहां लिख दिया, ये वाला पोर्शन हमने यहां लिख दिया दोनों को, ठीक। अब इसे गुणा कराएंगे माइनस माइनस, देखिए यहां पर एक बार हमने इससे गुणा करा दिया प्लस था, फिर इसको गुणा करा दिया हमने, फिर आएगा माइनस माइनस प्लस ए बी माइनस टू एफ बी माइनस जाएगा प्लस माइनस माइनस एफ ए, और प्लस 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 टू एफ स्क्वायर बराबर टू एफ स्क्वायर क्योंकि एफ एफ स्क्वायर प्लस माइनस माइनस एफ बी आएगा, यहां आएगा टू एफ स्क्वायर टू एफ स्क्वायर दोनों कट जाएगा, तो यहां पर टू एफ बी है और यहां पर माइनस भी है, जब इसको इस पार लाओगे तो प्लस में हो जाएगा, और एक में से दो में से जाएगा कितना होगा एफ बी बच जाएगा। अब यहां पर हम तीनों में यू बी एफ से भाग कर देंगे, तो जब भाग करेंगे तो ये इससे कट गया, ये इससे कट गया, ये इससे कट गया, इससे कट गया, तो वन अपान एफ माइनस वन अपान ई माइनस अपान बी, इसको हमने क्या कर दिया वन अपान एफ बराबर वन अपान ई प्लस वन अपान बी, यही हमारा सूत्र आ गया।